मोटापा बढ़ने में, जहाँ एक और मेटाबॉलिज्म का कमजोर होना है, माने एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ दोषों का अनियंत्रण एक तरह से कहे। प्राणायाम त्रिदोष शामक है, त्रिदोष नाशक है। मोटापा का एक कारण ये मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना है, जेनेटिक भी कारण होता है, जैसा बीज वैसी फसल। पशुओं में देख लो, पेड़ पौधों में देख लो, खेती में देख लो, जैसा बीज वैसी फसल। तो माता पिता यदि एक एक क्विंटल के हैं, डेढ़ डेढ़ क्विंटल के हैं, तो बच्चे कैसे 10-20 किलो के हो सकते हैं? बच्चे भी फिर 2-2 क्विंटल के होंगे। जेनेटिक कारण होता है, थायराइड कारण होता है मोटापा का, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, ये कारण होता है मोटापा का। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बुरी आदतें, समय से सोना नहीं, समय से जागना नहीं, समय से खाना नहीं। काल भोजनम आरोग्य कारणाम, इसलिए कहा यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो समय से खाओ। ऋतु भूख हित भूख मित भूख बनो। धी धृति स्मृति, इसकी विकृति। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम, इसको प्रज्ञापराध का। धी धृति स्मृति, धी बुद्धि मन गड़बड़ है, धी धृति, फिर उल्टा पुल्टा निश्चय कर लिया, उल्टा पुल्टा सोचा, तो फिर उल्टे पुल्टे निर्णय होंगे और उन्हीं की स्मृति बनी रहेगी। एक गलत चक्रव्यूह शुरू हो गया, धी धृति स्मृति की विकृति, ये एक नेगेटिव चक्र शुरू हो गया, कुचक्र शुरू हो गया। एक आपके भीतर ही आपने षड्यंत्र खड़ा कर लिया, उसको दूर करना है। रोगों के कितने ही कारण हैं, एक एक बीमारी के मुख्य 5-10 कारण होते हैं। जिस कारण से भी रोग हो, योग से दूर होगा। योग के साथ साथ थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, नाड़ी चिकित्सा और आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने वाला जो ज्ञान है उसको आयुर्वेद कहते हैं। और रोगास्तस्य अपहर्तार, रोग जो है उस आयु को कम करने वाले सबसे बड़े कारण।